धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के गांव जगरियापुरा में 26 वर्षीय विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने के बाद में पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतका के शव को कब्जे से लेकर स्थानीय सीएचसी के शव गृह में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया। शव पीहर पक्ष को इसके बाद में सुपुर्द कर दिया गया। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मामला भी दर्ज करवाया है। मामले में मृतका के पीहर पक्ष ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री राखी पत्नी मेघ सिंह की शादी 4 वर्ष पूर्व की, लेकिन शादी के कुछ ही दिन के बाद में ससुराल वालों ने राखी पर दहेज लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान ससुराल वाले राखी को मारपीट और शारीरिक मानसिक यातनाएं भी देते रहे। आखिरकार ससुराल वालों ने राखी की घर के अंदर फांसी लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पति सहित अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करके अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। सुबह जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि जागीरपुरा में किसी महिला ने फांसी लगा ली है, जिसकी फांसी से मौत हो चुकी है। इस सूचना पर एसएसओ साहब, मैं स्वयं थाने के जाप्ता को लेकर गांव जागीरपुरा पहुंचे, जानकारी की गई तो मृतका राखी बायपॉप मेघ सिंह, जाति कुशवाहा, उम्र 25 साल, निवासी जागीरपुर।